हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज दोपहर में हम बाबू को सुला रहे थे और सुलाते सुलाते खुद ही आंख लग गई और हम भी सो गए। उसके बाद थोड़ी ही देर में हमने किचन में खटर बटर सुना और दौड़ते हुए तुरंत उठी। दौड़ते हुए भाग के आई किचन में, देखा हमको लगा बिल्ली वगैरह आई होगी, अभी सारा दूध गिरा देगी। लेकिन हम जब यहाँ पर आए तो देखे मम्मी कुछ काम कर रही थी। हम देखे क्या, मैंने बोला मम्मी क्या कर रहे हो अभी, तो हम सब कुछ करके तब लेटे हैं, तब बाबू को सुला रहे थे। वो बोली आज हम बहुत ही कमाल का चीज बना रहे हैं, आप अगर वीडियो बनाना चाहो तो बना लो और अपने व्यूअर्स को बोल देना वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे। तो हमने बोला मम्मी क्या बना रही हो? मम्मी बोली अब बस देखती जाओ और उसके बाद में बोलना। उसके बाद हमने देखा कि देखते ही देखते मम्मी ने तवे पर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया। अब हम बोल रहे हैं मम्मी इतना सरसों का तेल बर्बाद कर रही हो, बिना फालतू के क्यों बर्बाद कर रही हो, इससे क्या फायदा होगा? उन्होंने बोला कि अभी आप देखते जाओ, अब कुछ मत बोलना, अब शांति से बैठकर देखते रहो। तो हम ऐसे देखते ही रहे, देखते ही देखते तेल गर्म हो गया। ये देखिए अभी तेल काफी हद तक गर्म हो गया। उसके बाद मम्मी ने तवे पर हमने देखा तेल डाली, उसके बाद हल्दी भी डाल दिया। उसके बाद उसने किया ये कि एक चम्मच ली और उससे चलाते हुए पकाने लगी। हम बोले मम्मी अब क्या होगा, इससे क्या होगा? मम्मी बोली अभी आप देखते जाओ और तेल को ऐसे पकने दो और हल्दी को तब तक पकाओ जब तक हल्दी का पूरा कलर तेल में ना आ जाए, यानी कि हल्दी एकदम जल जाएगी। तो हमने बोला ठीक है अभी पकाते हैं। तो इस तरीके से हमने तवे पर डाल दिया और हल्दी को पकने दिया। अभी ये पकने में करीब 5-5 मिनट लगेंगे, तब तक आप फटाफट से जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरीके की आपको एक एक यूजफुल वीडियो देखने को मिले। दोस्तों, ये आपका बर्बाद नहीं होगा, ये आपके लिए बहुत ही काम का चीज बनेगा, बहुत ही कमाल का टिप्स है ये। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इससे क्या होगा। तो देखिए ना दोस्तों, हल्दी का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अभी इसे और चेंज होने देना है, एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। मम्मी ने बताया कि इसे आप इस तरीके से चलाते हुए पका लीजिए, इसे आप चलाना मत बंद कीजिए और पकाना अभी काफी देर है, यानी कि हल्दी एकदम जल जाएगी। ये देखिए काफी हद तक ब्लैक तो हो गया, लेकिन थोड़ी देर और पका लेते हैं। आप सभी लोग जो मार्केट से खरीद कर लाते हैं वो क्यों ना घर पे बनाया जाए और एकदम नेचुरल तरीके से, बहुत ही अच्छा काम करता है ये। आपको अगर फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से पका लेना है। फिर मम्मी बोली अब गैस को बंद कर दीजिए, तो गैस को हमने कर दिया है बंद और इसे इसी तवे पर छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब फिर हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने तवे पर इसे ऐसे छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। आपको तवे पर ही छोड़ना है, इससे क्या होगा कि जो तवे से लोहे की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, यानी कि आयरन की जो कमी होती है वो सारी पूरी हो जाती है। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब आपको इसे क्या करना है, एक कटोरी में छान लेना है। ये देखिए, हमने एक कटोरी ले लिया और छन्नी ले लिया और उसके बाद इसे हम धीरे से उठाएंगे और इसी में डाल देंगे। छानने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको तेल का कलर, ये एकदम ब्लैक हो गया है। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो चौक जाएंगे। हमने बोला ऐसा कौन सा सोल्यूशन है? मम्मी बोली अभी हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको ले लेना है विटामिन ई का एक कैप्सूल। हमने बोला विटामिन ए का कैप्सूल इसके साथ क्या होगा? मम्मी बोली अभी आप देखो। और उसके बाद इसे आप चाकू से या कैंची से काट दो और इसके अंदर माल भरा होता है उसे आप इसमें डाल करके मिक्स कर लो। ये देखिए कुछ इस तरीके के इसमें भरा होता है और उसके बाद चम्मच से इसे मिक्स कर लो। अब ये आपका बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। ये क्या है? अभी हम मम्मी से हमने पूछा तो मम्मी ने बताया कि आजकल सभी लोगों के बाल बहुत ही जल्द सफेद हो जाते हैं,
सफेद बालों को काला करने के लिए लोग मार्केट से कई तरह के मेहंदी लाते हैं, जो कि हमारे बालों को भी नुकसान करता है और साथ ही साथ हमें भी नुकसान करता है। तो क्यों ना हम घर पर अच्छे तरीके से ये रेमेडी बना करके अपने बालों में यूज करें। असमय बालों को सफेद होते रोकना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, लेकिन अगर आप ये बना करके लगाएंगे तो आपके बाल सफेद नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको ये बना लेना है और फिर उसके बाद बालों में कुछ इस तरीके से लगाना है। उसके बाद आपको बालों पर कुछ इस तरीके से लगा लेना है। अगर आप रात में लगा रहे हैं तो एक पुराना कपड़ा बालों में लपेट लीजिए, नहीं तो पूरे आपके बिस्तर में लग जाएगा और बिस्तर आपका खराब हो जाएगा। और दिन में लगा रहे हैं 2-3 घंटे के लिए लगा करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप चाहे शैम्पू कर लीजिए या फिर नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं। तो दोस्तों, असमय बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हैं आप इस रेमेडी द्वारा। आप इस रेमेडी को आसानी से घर पर बना सकते हैं किचन की बस थोड़ी बहुत सामग्री लेकर। बस आपको मार्केट से एक ही सामान लाना है, ये विटामिन ई की कैप्सूल। तो ये भी किसी किसी के घर में रहता है, कोई कोई लोग खाते हैं, तो ये आपके घर में भी पड़ा होगा। ये देखिए हमारे पास भी पड़ा है। आप इसमें एक गोली विटामिन ई का डाल दीजिए और उसके बाद मिक्स करके इसे आप अपने बालों में लगा लीजिए। इससे आपके बाल बहुत ही जल्द काले हो जाएंगे और वो जल्दी सफेद नहीं होंगे। दोस्तों, आप इसे किसी डिब्बे में रख लीजिए, यह हफ्तों 10 दिन तक आपका काम करेगा। आप इसे स्टोर कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक तो नहीं लेकिन हफ्तों 10 दिन तक रखना है और हफ्ते में 2-3 बार इसे लगाना है। तो इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, किचन में सारी सामग्री आपको मिल जाएगी, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह मम्मी का टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। जो तवे का जो लोहापन है वो भी इसमें आ गया है, वो भी बहुत ही अच्छा ब्लैक करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।